आईपीएल 2018 और उसका 16वां मैच मोहाली में खेला गया, किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। टॉस से ही, जैसे ही टॉस हुआ वैसे ही एक अनोखा मैच बन गया, क्योंकि इस आईपीएल में यह देखा ही नहीं गया है कि कोई टीम टॉस जीते और पहले बैटिंग करे। हर टीम चेस करना प्रेफर कर रही है। अश्विन का जो ये डिसीजन था टॉस जीत के बैटिंग करने का, उसको एकदम सही साबित किया क्रिस गेल ने। किंग्स इलेवन पंजाब का फाइनल स्कोर रहा 20 ओवर के बाद 193 रन, इसमें से 104 रन क्रिस गेल ने बनाए। आईपीएल 2018 की पहली सेंचुरी लग चुकी है। कोई भी आश्चर्य नहीं है कि ये क्रिस गेल के बल्ले से आई है। 11 छक्के और सिर्फ एक चौका इस सीजन में, साल 2018 में ये गेल का दूसरा मैच है। पहला मैच चेन्नई के खिलाफ खेला था उन्होंने, 63 रन मारे थे 33 गेंदों में। उस दिन 4 छक्के मारे थे, आज 11 मारे हैं, टोटल 15 हो गए। सिर्फ दो मैचों में छक्के मारने की टेबल में वो दूसरे नंबर पे जा पहुंचे हैं। सबसे ऊपर अभी भी कोलकाता नाइट राइडर्स के आंद्रे रसल बैठे हुए हैं, वो भी वेस्ट इंडीज के हैं। क्रिस गेल भी वेस्ट इंडीज के, दोनों के दोनों दो वेस्ट इंडियंस टेबल के टॉप पर हैं। सनराइजर्स हैदराबाद, जिसे कहा जा रहा था कि एक परफेक्ट बॉलिंग यूनिट है, मीडियम पेसर्स आते हैं, रन रोकते हैं, बाद में स्पिनर्स आते हैं और रनों को दबा देते हैं, बनाने ही नहीं देते हैं। आज राशिद खान, अफगानिस्तान के राशिद खान और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन बहुत मारे गए। राशिद खान ने 4 ओवर में 55 रन दिए और उन्हें सिर्फ एक विकेट मिला। शाकिब अल हसन को 2 ओवर में 28 रन पड़े। ये दो बॉलर्स जो कि हैदराबाद की टीम की मेन स्ट्रेंथ थे, शाकिब और राशिद, इन दोनों ने मिलके कुल 8 ओवर भी नहीं फेंके, सिर्फ 6 ओवर फेंकवाए गए इनसे और उसके बाद इनसे नमस्ते कर लिया गया। इन दोनों ने आपस में मिलकर सिर्फ एक विकेट लिया। क्रिस गेल का खौफ यहां पर नजर आता है। क्रिस गेल ने राशिद खान की कुल 16 गेंदें खेली और इन 16 गेंदों में 42 रन मारे। इनिंग्स के बाद क्रिस गेल ने अपनी सेंचुरी के बारे में एक मजेदार बात बताई। उन्होंने बताया कि अपनी उस सेंचुरी को वो अपनी बेटी को डेडिकेट करते हैं, जिसका कल बर्थडे है। हो सकता है आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब उसका बर्थडे आ चुका हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें अपनी स्टिफ बॉडी को कैसे सही रखना है ये बताया। उन्होंने कहा कि सहवाग ने उनसे सिर्फ इतना बताया है कि वो सिर्फ एक योगा टीचर के पास रहें, योगा ट्रेनर के हत्थे रहें और ज्यादा कुछ न करें, बस अपना मसाज कराएं और रिलैक्स करें, बाकी का काम उनका बल्ला कर लेगा, जो कि आज सही भी साबित हुआ। क्रिस गेल ओपनिंग करने के लिए आए, उन्होंने 4 अलग अलग बल्लेबाजों के साथ बैटिंग की, अच्छी पार्टनरशिप्स की। केएल राहुल के साथ 53 रन बनाए जिसमें से 31 क्रिस गेल के थे। मयंक अग्रवाल के साथ 30 रन बनाए जिसमें 10 क्रिस गेल के थे। करुण नायर के साथ 85 रन बनाए जिसमें 52 क्रिस गेल के थे। और आखिरी में फिंच के साथ 25 रन बनाए जिसमें 11 क्रिस गेल के थे। इस सारी मारामारी के बीच, सारी भसड़ के बीच अभी भी एक बॉलर इफेक्टिव है, 4 ओवर में 25 रन देने वाला भुवनेश्वर कुमार। उनकी ज्यादा पिटाई नहीं हुई, क्रिस गेल के बल्ले से बच गए और शायद वही एक रीजन है कि पंजाब की टीम एक प्लेयर के सेंचुरी मारने के बावजूद 200 रन क्रॉस नहीं कर पाई। तो आईपीएल की पहली सेंचुरी हो चुकी है, बोहनी हो चुकी है। आईपीएल से जुड़े अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे, इससे जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है केतन। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए lallantop.com।